जलता हुआ दिया घर के कपड़ों पर गिरने से एक घर में आग लग गई, जिस दौरान 10 वर्षीय बच्चे को बचाने में उसके पिता ने कामयाबी हासिल की, लेकिन गंभीर रूप से जलने के कारण उनकी मृत्यु हो गई। ये मामला शांतिनगर पुलिस थाना अंतर्गत का, जहां 25 जनवरी को 36 वर्षीय सागर भट्ट की अपने बेटे को बचाते दरमियान मृत्यु हो गई। पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक सागर भट्ट कंप्यूटर की मरम्मत करता था, वह शराब का आदी था। मंगलवार की रात वह शराब पीकर घर आया था, जिसकी वजह से उसकी पत्नी दो बेटियों को लेकर उसके ननद के घर चली गई। घर में सागर और उसका 10 वर्षीय पुत्र रोहन था। पिछले 3 महीने से बिजली बिल का भुगतान नहीं होने से सागर के घर में बिजली नहीं थी, इसलिए रात में घर में दियो का प्रकाश कर रहता था। मंगलवार की रात उस समय पूरे घर में आग लग गई, जब कपड़ों पर एक जलता हुआ दिया गिर गया। आग के लपटों ने उसके बेटे रोहन को जगा दिया। उसने तुरंत अपने पिता सागर को जगाया। आग देखकर सागर डर गया। उसने अपने बेटे रोहन की चारों ओर एक कपड़ा लपेटा और उसे घर से बाहर निकाल दिया। इस प्रयास में सागर बुरी तरह जल गया। रोहन तो बच गया, लेकिन सागर की मौत हो गई। 25 जानेवारी रात्री 11:30 दरम्यान कॉल आला की शांतीनगर हद्दीमध्ये एका घराला आग लागलेली आहे। नाईट ऑफिसर PSI भिवापुरे हे स्पॉटवर गेले, तर एका घराला आग लागलेली होती म्हणून अग्निशामक दल बोलविण्यात आले। वरिष्ठ अधिकारी देखील घटनास्थळावर तातडीने आले, इतरही पोलीस स्टाफ त्या ठिकाणी आला होता। अग्निशामक दलाने आग विझविली, त्यानंतर आम्ही ज्यावेळेस आतमध्ये प्रवेश केला तरी एक साधारण 35 ते 40 वर्ष वयोगटातील एक पुरुष ठिकाणी भाजलेल्या अवस्थेत होता। आम्ही त्यांना हॉस्पिटलमध्ये शिफ्ट केलं, ते मृत झालेले आहेत। त्यांचं नाव सागर भट आहे। माहिती घेतली असता समजलं की ते आणि त्यांचा मुलगा रात्री झोपलेले होते। घरात अचानक आग लागल्यामुळं दोघेही जागे झाले। वडिलांनी अर्थात सागर भट यांनी मुलाला गॅलरीतून शेजारच्या घराच्या पत्र्यावर टाकलं आणि मुलगा वाचलेला आहे। मुलगा त्या शेजारच्या घराच्या जिन्यावरून खाली उतरून खाली आला, परंतु वडिलांना ते काही जमलं नाही आणि ते त्या ठिकाणी भाजल्यामुळे मृत पावलेले आहे। आम्ही दुसऱ्या दिवशी BDDSला देखील त्या ठिकाणी पाचारण केलं होतं। संशयास्पद काही आढळून आलेलं नाही आहे। या संदर्भात अकस्मात मृत्यूची नोंद घेण्यात आलेली आहे, पुढील तपास चालू आहे। शांतिनगर पुलिस ने मामले में आकस्मिक मौत का मामला दर्ज किया है। पुलिस आगे की जांच कर रही है। कैमरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ अभिषेक पांसे, BCN न्यूज़ नागपुर।